एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर का, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन स्थल पर एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप पूरे देश में मचा हुआ है। बैरिकेड से एक दलित सिख युवक की लाश लटकती हुई मिली। मृतक लखबीर सिंह का अंग भंग कर दिया गया। हत्या का आरोप निहंग सिखों के एक समूह पर लगा है और इसी को लेकर लगातार चर्चा इस बात को लेकर गर्म हो चली है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं अराजक तत्व जो किसान आंदोलन में घुस आए हैं और उसके बाद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, या फिर दरअसल वहां पर इस तरह की अगर घटना सामने आती है तो किसान आंदोलन को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सीधे कुलदीप सिंह धालीवाल जी, चूंकि पहला सवाल मैं आपसे ही मैंने पूछा था, जवाब नहीं ले पाई थी, तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने है, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि साफ तौर पर हम दिखा भी नहीं सकते, जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर किसकी बनती है? कुलदीप जी, जो ये घटना हुई है एक दलित युवक की, जो किसान आंदोलन में मजदूर किसान एकता का प्रतीक भी था, घोड़ों में अस्तबल में घोड़ों की सेवा करता था, उसकी निर्मम हत्या, तालिबानी हत्या मर्डर जो हुआ है उस बहुत अफसोसजनक, और मैं उसकी निंदा करता हूँ और मेरा गला भर आया है उसको, जो मैंने उसका वीडियो देखा है उसे देखकर। कोई भी आदमी जब देखेगा कि मेरे देश में ये तालिबानी कहाँ से काम हो रहा है, जैसे तालिबान में होता है वैसे ही हमारे देश में हो रहा है, और इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरीके से जिम्मेवार है और ये जिम्मेवारी माननीय डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं उनको लेनी पड़ेगी, वो भाग नहीं सकते इस जिम्मेवारी से। किस तरीके से एक युवक के ऊपर इल्जाम डालकर उसकी हत्या की गई, उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए था। अगर कोई उसके ऊपर संशय था तो कानून के दायरे में लेके आते। आप लोग बैठे, पहले एक बंगाल की बेटी का बलात्कार हुआ तब भी उसकी जिम्मेवारी नहीं ली गई, एक MLA को शर्मसार किया गया तब भी जिम्मेवारी नहीं ली गई, लेकिन बाद में लोगों को छुड़वाया गया, राजपुरा में सारी रात लोगों को बंधक बनाया गया तब भी जिम्मेवारी नहीं ली गई, लेकिन बाद में लोगों को छुड़वाया गया। और ऐसे ही मैं पूछना चाहता हूँ डल्लेवाल जी से कि क्या अब भी इन हत्यारों को जो आप जिम्मेवारी तो ले नहीं रहे, आप कहते संयुक्त किसान मोर्चे की जिम्मेवारी नहीं, चाहे वहां पे ही सारा कुछ हुआ, ये अमानवीय घटना हुई है, मैं जवाब ले लेती हूँ, कल को फिर क्या आप उनको छुड़वाने के लिए आगे आएंगे? जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, अभी तो आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन वास्तव पे जहां पर प्रदर्शन चल रहा हो किसानों का, अगर वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो आप लोगों से पलटकर सवाल पूछा जाएगा?